जो आपने डर फैलाया उसके बारे में यात्रा में बहुत कुछ सुनने को मिला। आपने हिंदुस्तान की महिलाओं को महंगाई से हर रोज डराया है। गैस सिलेंडर महंगाई, तो आपने गरीबों को महिलाओं को डराने का काम किया। किसानों को डराने के लिए लैंड एक्विजिशन बिल जो हम लाए थे, उनकी जमीन की रक्षा करने के लिए, उनको सही कॉम्पेंसेशन देने के लिए, उसको आपने खत्म कर दिया। किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी अंबानी जी के फायदे के कानून थे। और अब एक नया फैशन निकला है, नीट। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। इससे भी बहुत डर होता है। महीनों पढ़ाई करते हैं, ये पता नहीं कि भैया एग्जाम लीक हो जाएगा नहीं होगा, अगर पास भी हो गए तो पैसा कहां से आएगा। तो उधर भी इन लोगों ने भय डालने का काम किया। हिंसा, नफरत माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। तो किसानों में आपने डर डाला, भय डाला, महिलाओं में महंगाई, गैस सिलेंडर, सेना में अग्निवीर, हर व्यक्ति के लिए आप लोगों ने भय का कोई ना कोई पैकेज दिया। जहां भी ये देखते हैं, ये सोचते हैं कि भाई भय कैसे पैदा करें।